उस वक्त हर कोई हक्का बक्का रह गया जब सिद्धू मूसेवाला की बरसी के दौरान अचानक से सलमान खान वहां पहुंच गए और चारों तरफ भगदड़ मच गई कि आखिर जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करवाया था वही लॉरेंस बिश्नोई की जानलेवा धमकी के बावजूद भी सलमान खान बिना डरे बरसी के कार्यक्रम में पहुंच गए। लेकिन तभी अचानक वो हुआ जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान इस समय मीडिया में एक धमकी भरे ईमेल की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं, जो कि कल रात सलमान खान को आया है, जिसमें सलमान खान को चेतावनी दी गई है कि अगर सलमान ने माफी नहीं मांगी तो वह उनके साथ काफी गलत कर देंगे। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि सलमान खान को ये चेतावनी गोल्डी और लॉरेंस नाम के आदमी ने दी है, जिन्होंने प्रसिद्ध पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का भी मर्डर करवाया था और अब वह सलमान खान के जीवन को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। क्या ठोस जवाब देने की बात कर रहे हैं सलमान खान को? सर, अगर हमारी कम्युनिटी ने माफ नहीं किया तो सर हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे सर, हम कोर्ट पे या किसी और पे निर्भर नहीं रहेंगे। इसी वजह से पुलिस ने अभी सलमान खान की सुरक्षा भी काफी बढ़ा दी है, जिसके बाद सलमान खान भी धमकी भरे संदेश के बारे में ना सोचते हुए सिद्धू मूसेवाला की बरसी में उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे हुए हैं और उनके पिता बलकौर सिंह और मां चरण कौर से मिलकर उनके दुख में शामिल हुए और उन्हें सांत्वना दी है। यदि आपको भी सलमान खान की बड़े दिल की तारीफ में कुछ कहना है तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।